अमरनाथ में कल आई तबाही के बाद आज सुबह दिखा अस्त व्यस्त मंजर, चारों तरफ पानी ही पानी और मलबे का कब्जा। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास तबाही का आलम, पानी की तेज धार में श्रद्धालुओं समेत कई टेंट बह गए। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद हो चुके हैं, 40 से ज्यादा लोग लापता हैं अभी भी। कल की तबाही देखने के बाद दहशत में है श्रद्धालु, रेस्क्यू टीम बंधा रही है ढांढस हिम्मत। अमरनाथ में तीर्थयात्रियों के कैंप के बीच से बह रही पानी की तेज धार, रेस्क्यू में भी दिक्कत। वहीं आज सुबह मलबे में फंसे 6 लोगों को बचाव दलों ने सुरक्षित निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और तेज है। तबाह हुए टेंट में भी श्रद्धालुओं की तलाश जारी है, तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है बचाव टीमें। वही तलाशी अभियान के लिए 2 रडार और 2 खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। पवित्र गुफा के इलाके में फंसे लोगों को पंचतारणी पहुंचा रही आईटीबीपी, यात्रा का रूट कराया गया खाली। वहीं हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है 3 बेस अस्पताल, मदद में सेना भी जुटी। सैलाब में तबाह टेंट्स के अंदर की तस्वीर भी पहली बार कैमरे पर आई, सब कुछ दिखा मठिया मेट। श्रद्धालुओं के सारे साजो सामान पर चढ़ी दिखी मलबे की मोटी परत। वहीं अमरनाथ से लौटे लोगों ने बयान की, ये यात्री बादल फटने के उपरांत इनको हम निकाल रहे हैं यहां से। वहीं अमरनाथ से लौटे लोगों ने बयान की दहशत, आंखों देखी बताई, कहा देखते ही देखते आ गया सैलाब। फिर पानी जोर से आया, फिर एक तो धमाका हुआ, मैंने जोर से बिजली सड़क, फिर छोटा छोटा पत्थर गिरने लगा, तो टेंट वाला बोला भागो भागो भागो, तो हम लोग भी दौड़ गया, भाग दौड़ हो गया। फिर देखा बड़ा एक तो पत्थर आया, एक तो दो तो टेंट का लेकर चल गया। श्रद्धालुओं के जत्थे कर रहे हैं अपनों की तलाश, हादसे के बाद कई लोग हुए गुम लापता। उसमें से नासिक से 110 आदमी आए हैं, उसमें से 90 आए 20 मिसिंग है हमारे खुद के भी, हम उनकी राह देख रहे हैं कब से। हम लोग का भी 10 मिसिंग है, उसमें 6 बंदे को फोन किया, वो लोग पंचतरणी है, 4 अभी तक कोई लापता है, हमारे कोई लोग अभी आ। हादसे वाली जगह से लोगों को निकालने के चलते सड़क पर जाम के हालात, यात्रा रूट पर गाड़ियों की लंबी कतार। आईटीबीपी के मुताबिक अब तक 15,000 लोग अमरनाथ इलाके से सुरक्षित निकाले गए। वहीं अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर टूटा कुदरत का कहर, जिस वक्त हुआ हादसा गुफा के करीब मौजूद थे 10,000 से 12,000 श्रद्धालु। अमरनाथ गुफा के पास लोगों के कैंप के बीच से निकला सैलाब, कल शाम के 5:30 बजे के करीब बरपा कहर। सैलाब में एक महिला को रेस्क्यू किए जाने की तस्वीरें सामने आई, घायलों को भेजा गया अस्पताल, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश। हादसे के बाद भी कम नहीं पड़ा अमरनाथ यात्रियों का उत्साह, जम्मू से श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना। इस बीच पिथौरागढ़ में दरिया के तेज बहाव में जोखिम उठाकर पार जाते दिखे लोग। उत्तराखंड के रामनगर में पुल के ऊपर से बहा दरिया, कुछ गाड़ियां भी बह गई, फिर भी गुस्ताखी करते हुए दिख रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में बारिश का बरपा कहर, सैलाब और भूस्खलन से 22 गांवों का संपर्क टूट चुका है, जबकि बागेश्वर में सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा, रास्ता साफ करने की हो रही है कोशिश। वहीं बिहार के पूर्णिया में सैलाब में बहा पुल का रास्ता, कई दुकानें भी तबाह। हैदराबाद में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट, जबकि भारी बारिश के बाद अमरेली में सड़कों पर दरिया जैसे हालात, जलभराव का संकट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आकाशीय बिजली का टूटा कहर, एक युवती की मौत, 4 लोग जख्मी। तेलंगाना के नालगोंडा में भारी बारिश के दौरान हादसा, दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में बेकाबू बस पलटी, बस में 20 यात्री कर रहे थे सफर, कुछ लोग जख्मी हो गए। जबकि गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक करने वाले हैं, अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। अमित शाह के साथ नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से यह बैठक।
नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, सीमा ड्रग्स, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सूचना साझा करने पर सिस्टम पर भी मंथन। राजस्थान के झुंझुनू में संघ की बैठक का आज अंतिम दिन। 3 दिनों से प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन कर रहे हैं मोहन भागवत। साल 2025 में संघ पूरे करेगा संगठन के 100 साल। झुंझुनू की बैठक में इसे खास बनाने पर चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण शताब्दी वर्ष में जम्मू कश्मीर पर होगा संघ का फोकस। अनुच्छेद 370 हटने का मना सकते हैं जश्न। दिल्ली में आज हिंदूवादी संगठनों संकल्प मार्च, प्रदर्शन का एजेंडा देश कानून से चलेगा शरीयत से नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया। आज 22 शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वही फिल्म काली को लेकर जारी है बवाल। राजस्थान के पाली में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में फिल्म काली के विरोध में कर्णी सेना ने उठाया झंडा। फिल्म मेकर लीना मणिकेलई के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लीना मणिमेकलई के खिलाफ कानपुर पुलिस के पास भी पहुंची शिकायत। 5 दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। फिल्म काली को लेकर एक्शन में है मध्य प्रदेश सरकार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखकर लीना का अकाउंट सस्पेंड करने को कहा। लीना मणिमेकलई भी अपने रवैये से समझौते को तैयार नहीं। नए ट्वीट में कहा, मेरी काली हिंदुत्व का विनाश करने वाली। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी अपने बयान पर अड़ी हैं। कहा, बंगालियों को बीजेपी ना सिखाए काली की पूजा। वहीं हिंदुओं के लिए वीएचपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर्स। कहा, किसी ने परेशान किया तो फौरन मिलेगी मदद। 12 राज्यों में वीएचपी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी बढ़ा रही है सांप्रदायिकता। जबकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वीएचपी का बड़ा ऐलान। कहा, हिंदुओं को हथियार और लाइसेंस दिलाने में करेंगे मदद। नूपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद नफरत फैलाने की विदेशी साजिश। मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान। लाल किले से शिंजो आबे को श्रद्धांजलि। आधी ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत अन्य महत्वपूर्ण इमारतों पर भी शिंजो आबे के शोक में आधी ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। जापान में कल प्रचार अभियान के दौरान शिंजो आबे को मारी गई थी गोली। कई घंटों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आखिरकार तोड़ दिया था। पूर्व जापानी पीएम की मौत पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। शिंजो आबे को बताया भारत का सच्चा दोस्त। आगरा पुलिस ने लूट के बाद कारोबारी दंपत्ति की हत्या के आरोप में 4 लुटेरों को दबोचा, एक फरार। जबकि चंदौसी में महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। मेरठ में धागा गोदाम में आग लग गई, हजारों का नुकसान है। मुजफ्फरनगर में भैंस के हमले में बुजुर्ग की मौत। अब तक कई लोगों को पहुंचा चुकी है यह भैंस नुकसान। हरवान में पुलिस ने जाली नोट छापने के आरोप में 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। 500, 200 और 50 रुपए के जाली नोट बरामद। उधर दतिया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में चली गोली, एक शख्स की मौत। कोटा में एक शिक्षक की हत्या के आरोप में बेटी समेत 5 लोग गिरफ्तार। बेटी के मुताबिक शराब की लत का शिकार पिता, बेचना चाहता था मकान। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में महिला से दरिंदगी, जमीन विवाद में मारपीट और बदसलूकी। जबकि फरीदाबाद में डीपीएस स्कूल के छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मां ने साथी छात्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, इंसाफ की गुहार। वहीं अमरावती में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को सरकार बनाने के नियुक्ति के फैसले पर उठाए सवाल। 11 जुलाई को सुनवाई होनी है इस मामले पर। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। सुर्खियों में आया भोपाल के करीब स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर लगाया गया था जुर्माना। वहीं मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचे छात्रों पर जुर्माने की बात। सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, नहीं लगेगा फाइन। संदेश दे दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। उधर देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे। आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। कल दिल्ली आते ही अमित शाह से मिले शिंदे, देर रात तक चली मुलाकात।
मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर, लिखा नए सीएम को अमित शाह का आशीर्वाद। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, मुझसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल की याचिका, महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है। बिहार के छपरा में नहाने के दौरान तालाब में डूबकर लड़के की मौत, परिवार में मातम पसरा। कानपुर में मच्छरदानी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में एसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने खाया जहर, शादी के नाम पर एक शख्स ने दिया था धोखा। भोपाल में तीन लड़कियों की पानी में डूबने से मौत, लगातार बारिश से भर गए हैं गड्ढे, खेलते वक्त यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में चल रहे अवैध कसीनो पर पुलिस की छापेमारी, कैश के साथ शराब का जखीरा बरामद। दिल्ली के सोनिया विहार में पुजारी की पीट पीट कर निर्मम हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। जबकि बंगाल के साउथ 24 परगना में दिन दहाड़े टीएमसी के तीन नेताओं की हत्या, सीआईडी की टीम ने शुरू की जांच। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कमिश्नर कार्यालय पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पार्टी नेता पर हत्या के केस के बाद बवाल। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में मातम। उत्तर प्रदेश के बांदा में सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद बवाल, गांव वालों ने शव के साथ सड़क पर लगाया जाम प्रदर्शन। नोएडा में एफसीआई के कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, ट्रांसफर और दूसरी मांगों को लेकर विरोध। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, फुटपाथ पर दुकानदारों ने जमकर किया बवाल। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए समर्थ सदगुरु की भीष्म प्रतिज्ञा, 629 दिनों से निराहार रहकर चला रहे हैं अभियान। कि नदियों को हम माँ कहते हैं, नदी पर जहाँ एक तरफ हमारा जीवन व्यवस्था और विकास केंद्रित है, वहीं हमारा धर्म संस्कृति और सभ्यता के ही एक केंद्र है। वही 17 साल की प्रार्थना बत्रा ने युवाओं के लिए लिखी है मोटिवेशनल किताब, लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद रही रेसलर साक्षी मलिक।